हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पहली बार बनाने वाले हैं स्लाइम। एक हमारे पास है शेविंग फोम, एक है चम्मच फूड कलरिंग डालने के लिए, सारे फूड कलर्स हैं, और ये है एक बोल, एक चम्मच ये है हमारे को ताकि हम स्लाइम बना पाएँ, और ये है एक पैकेट ऑफ बोरेक्स, ये हमारे को एक चम्मच चाहिए ताकि हम बोरेक्स को उसके अंदर डाल पाएँ और मिक्स कर पाएँ, और ये है हमारे पास ग्लू। तो देखते हैं आप कैसे बनती है स्लाइम। उसके बाद हमें एक्टिवेटर बनाना है बोरेक्स और वार्म वाटर को यूज़ करके, फिर स्लाइम हमारी रेडी होगी। पता नहीं बनेगी कि नहीं, क्योंकि लोग तो रेडीमेड ले आते हैं, सो गॉड नोज बनेगी कि नहीं। बड़े मियां बड़े मियां, तो पहले हम लोग ग्लू डाल लेते हैं। पहले गाइस हम थोड़ी सी डालेंगे, फिर सारे डालने का सोचेंगे। तो गाइस मैं रेड डालू जो कि बेबी पिंकिश सा कलर बनाएगा, थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं ताकि बेबी पिंक बन जाए। तो गाइस अब हम मिक्स करने वाले हैं। तो गाइस हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे शेविंग फोम। गाइस हमने शेविंग फोम डाल ली है बहुत ही ज्यादा। इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा बहुत ही ज्यादा फ्लफी है, जो कि हमारे को चाहिए क्योंकि हम फ्लफी स्लाइम बना रहे हैं। ये और ऐसा भी स्लाइम का टेक्सचर दे रहा है, लेकिन फिर भी हमारे को बोरेक्स डालना पड़ेगा क्योंकि ये एकदम बोल को छोड़ नहीं रहा है, बोल को चिपके जा रहा है। हम वार्म वाटर के अंदर थोड़ा सा बोरेक्स डालेंगे जो कि अभी तक वार्म नहीं है, तो इसको फिर से वार्म करना पड़ेगा, तो मैं वार्म करके आती हूँ। अब हम बोरेक्स को इसके अंदर डालेंगे। इट्स नॉट कूलिंग इन द वाटर। हम इसके अंदर डालेंगे, इतना सा डाल रही हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है ताकि हम बोल को छोड़ता रहे थोड़ा।
ओके कुछ तो बन रहा है गाइस, मैं कुछ भी बने बस बोल को छोड़ देंगे। गाइस ये एक साथ हो रहा है, ओह माय गॉड ये स्लाइम बन रहा है। मतलब इसको मिक्स करते करते ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन इसको आपको बार बार मिक्सचर डालना है, ये बोरेक्स वाला ज़्यादा मिक्स करना पड़ रहा है, मेरा हाथ दर्द हो गया। स्ट्रेच हो रही है, थोड़ा बोरेक्स और आ रहा है क्योंकि ये इतने जल्द से निकलने वाली। ओह माय गॉड ये मिक्स नहीं हो रही, इसको हाथों से करना पड़ेगा। ये टूट गया, कितना हार्ड है ये। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच में बना रही हूँ। थोड़ा सा बोल रहे, थोड़ा सा और डालेगा, थोड़ा गाइस स्लाइम बन गई है। हाँ स्टिकी है ये। अब वक्त आ गया है इसको हाथों में डालने का। बड़ा स्टिकी है, और मिक्स करना पड़ेगा। खुशबू अजीब सी आ रही है। शेविंग फोम की अच्छी थी, ग्लू की आपको पता है मेरे को बहुत गंदी लगती है, तो दोनों का मिक्सचर का गंदी बदबू आ रही है। गाइस स्लाइम बनता है ना, नहीं लाई रेडी मैम। देख रहे गाइस जो कलर है वो वही है, ठीक है, मेरा कोई रेडीमेड कलर नहीं लाई, मतलब रेडीमेड स्लाइम जो बाहर मिलती है, मतलब स्लाइम असल में बनती है। ओवर एक्टिवेट जो कि मेरे को नहीं चाहिए था। मैं थोड़ा ग्लू और डाल के देखती हूँ उसके अंदर। अच्छी तरह गूंद, जैसे आटा को गूंदते, आटा गूंदते ना वैसे गूंदो, गूंदो। बन तो गया, कुछ तो बना। सो गाइज ये था मेरा स्लाइम मेकिंग चैलेंज, तो बाय। तो गाइज मैंने 150 का शेविंग फोम मंगवाया, 95 की वो ग्लू मंगवाई और 149 का ये मंगवाया, और मेरे को लग रहा था कि ये फ्लॉप जाने वाला है।